हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट जरूर लेकर आएंगे, तो लेकर आ गया सेकंड पार्ट। इसमें देखेंगे लोग ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट जो भी फार्मूला है और उस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए टॉपिक डालो ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर पिछले वीडियो हम लोग टी रेशियो के बारे में डिस्कशन कर लिए थे लोग। टी रेशियो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं लोग। क्या क्या हम लोग देखे थे लोग, ट्रिगोनोमेट्री का छः टी रेशियो के बारे में जान रहे थे लोग। पहला था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टैन, फिर कॉट, फिर से कॉस। ये तीन चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट से और कॉस से। इनके बारे में क्या क्या पढ़े हैं। साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच, कॉस थीटा जो होता है वो पी बाई एच, टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है जी पी बाई बी, कॉस थीटा बी बाई पी, सेक थीटा जो होता है एच बाई बी, और कॉस थीटा जो होता है वो एच बाई टी, ठीक है। ये चीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। इनका फुल फॉर्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, एस आई एन ई साइन, ठीक है। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, को साइन। टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, को टेंजेंट, टेंजेंट सॉरी, टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट। कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, को टेंजेंट। सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेकेंड। और कॉसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, को सेकेंड। क्लियर है बच्चों। इस चीज़ को ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं, अगर नहीं देखे हो तो आई बटन में डाल दिए हैं वीडियो का लिंक, वहाँ से जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देखो, फिर सेकंड वीडियो पे आना। चलो आगे बढ़ते हुए सेकंड वीडियो में देखेंगे लोग कि कैसे किसी भी एंगल का वैल्यू निकालते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 20 डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एक्सेट्रा। कोई भी एंगल हो, थीटा का वैल्यू और कुछ भी दिया रहा है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे लोग, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पूरा एंगल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो क्लास 10 का जो मेन टॉपिक है कि कोई भी वैल्यू कैसे निकाले। जैसे साइन 30 डिग्री दिया रहा है या साइन 0 दिया रहा है, तो उसका वैल्यू क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना बच्चों। चलो मेन टॉपिक डालो और जो टेबल बना रहे हो उसको टेबल को ध्यान से बना, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहले ये टेबल को आप लोग बनाओ, ठीक है। बराबर टेबल को बनाना स्टार्ट करो और फिर एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे ये आ रहा है वैल्यू, इसको भी देखेंगे लोग वन बाई वन, ठीक है। आगे देखते लो, यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है साइन 0, साइन 30, 45, 60 और 90, यही वैल्यू आप लोगों का काम का है, ठीक है। इसके अलावा जब क्लास 11 जो आओगे तो इससे भी अधिक वैल्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। फिलहाल इस वैल्यू को हम लोग फोकस करते हैं लोग। अगर साइन 0 दिया रहता है उसका क्या होगा, साइन 30 दिया रहे तब क्या होगा, साइन 45 दिया रहे तब क्या होगा वैल्यू, साइन 60 दिया रहे तब क्या होगा वैल्यू, और साइन 90 दिया रहे तब क्या होगा वैल्यू। हम एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक के जरिए आप लोग वैल्यू तो निकाल लोगे, ठीक है। पूरा ये ओवरऑल सारे टेबल में वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो एक ट्रिक के मदद से, ठीक है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि साइन 30 का वैल्यू जो 1/2 होता है वो एक्चुअली में होता कैसे है, क्या सारे ट्रायंगल में 1/2 ही आएगा साइन 30 का वैल्यू, इसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे लोग, ईच एंगल को वेरीफाई करेंगे, क्लियर है बच्चों। चलो अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिया है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग 0 से, ठीक है। एक ट्रिक लिखेंगे, ये साइन के लिए बता रहा है, साइन थीटा के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग, क्या लिखेंगे लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिख लोगे बच्चों। उसके बाद सबको बाई 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो इच को, ठीक है बच्चों। 4 से डिवाइड करके इच का रूट डालो, सबके ऊपर रूट डाल दो, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, ये जो वैल्यू आएगा साइन 0 का वैल्यू आएगा, ये साइन 30 का, ये साइन 45, ये साइन 60 और ये साइन 90 का वैल्यू आएगा, क्लियर है बच्चों। तो 0/4 क्या होता है बच्चों, 0 का रूट निकालो तो क्या आएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। 1/4, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। 2/4, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 आ जाएगा, 1/2 का रूट हो जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा और 2 का रूट 2 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 1/2। सिमिलर यहाँ पे रूट 3/2 हो जाएगा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा ऊपर। फिर यार बच्चों साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 का वैल्यू 1/2 हो गया, और साइन 60 का वैल्यू 3/2 हो गया। सिमिलर साइन 90 का वैल्यू 1 आया। क्लियर बच्चों, जैसे ही साइन का वैल्यू मिल गया तो पिछले क्लास में बताए थे साइन और कॉस कंप्लीमेंट होता है। क्या था बच्चों? कंप्लीमेंट, एक दूसरे का अपोजिट। साइन और कॉस कंप्लीमेंट, टेन और कॉट कंप्लीमेंट, और सेक और कॉसेक आपस में कंप्लीमेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, जो साइन का वैल्यू है उसको प्लटो तो कॉस का वैल्यू देगा, जस्ट रिवर्स, यानी 90 को पहले लिख दिया, फिर साइन का जो वैल्यू है उसको इधर से लिखना स्टार्ट करो। साइन 0 था या 0 लिखो, 1/2 था तो 1/2 लिख दो, 1/√2 तो 1/√2, √3/2 और 1 था तो 1। आसान है बच्चों, ठीक है। साइन मिला, साइन लाने के लिए ट्रिक दे दिए, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना है, ठीक है, सबको 4 से डिवाइड करना और सबका रूट निकाल देना, ठीक है। ये साइन का वैल्यू आएगा, साइन का जैसे ही वैल्यू आया 90 तक उसको रिवर्स कर दो, कॉस मिल गया, ठीक है। कॉस जैसे ही मिला, साइन कॉस मिला, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 10 मिल जाएगा। 0/1 0, 1/√3 ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। 1/1 1 आएगा, √3/1 यानी कि ये √3 होगा। 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों, अनडिफाइंड रहता है। 10 मिल गया, साइन कॉस 10 मिल गया बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो बस इनका वैल्यू को प्लॉट करो, आंसर मिल जाएगा। बाकी क्या, इसका 10 को पलटो तो 1/0 क्या आ जाएगा बच्चों, अनडिफाइंड। ये पलटो के आ जाएगा √3/1 तो √3, ये 1/1 यानी कि 1, इसको पलटो तो क्या आएगा बच्चों, 1/√3, और इसको पलटो तो 1/∞ यानी कि बच्चों क्या होता है वैल्यू, 1/∞ का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है? ऐसे ही sec किसका अपोजिट है बच्चों, cosec का, cos का किसका अपोजिट है, cos का। sec किसका अपोजिट है, cos का। तो cos के वैल्यू को पलटो तो 1/1 क्या आएगा बच्चों, 1, इसको पलटोगे तो 2/√3, इसको पलटोगे तो क्या आएगा बच्चों, 2, ये 2 हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेम साइन को पलटो तो आएगा cosec, तो 1/0 क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ठीक है, ये आएगा 2/√3 और ये आएगा 1। क्लियर है बच्चों, ये वैल्यू हम लोग लिख दिए हैं, इसको नोट डाउन करो। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कैसे वैल्यू निकाला जाता है। अगर एग्जाम में बैठो और वैल्यू नहीं आ रहा है तो क्या करना, ये टेबल को इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगर भूल गया तो टेबल को बनाना आसान है, बनाने का तरीका भी बता दिया है कैसे बना सकते हो। क्लियर है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लोग कि साइन 0 का वैल्यू 0 ही क्यों होता है, साइन 30 का वैल्यू 30 ही क्यों होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, मतलब कि ये किसी भी ट्रायंगल में यही वैल्यू ही क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फॉर्मूला भी बताया था, ट्रिक भी बताया था, क्या बताया था बच्चों, याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी दो, यहाँ से आप लोगों को बताए थे कि कैसे आप लोग साइन कॉस टेन का वैल्यू निकाल सकते हो। चलो अब यहाँ बढ़ते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, एक लेते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि हम लोग देखना है कि कौन से ट्रायंगल में कौन सा वेरिएबल, साइड तो हमारा फिक्स नहीं है, जैसे आप लोग का क्वेश्चन है तो साइड हम फिक्स नहीं कर रहे, इसलिए वेरिएबल में रहे 2a का वेरिएबल, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर डालेंगे एक वर्टेक्स से तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर जो होता है वो साइड बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ये 2a था, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a, इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईच एंगल कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 60 60 या 30 30 हो जाएगा बच्चों,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखा जाए तो ए डी हमारा क्या है जी, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, तो ए डी को अगर निकाला जाए ए डी को जो रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी टू ए का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, तो चलो देखो यहाँ पर आ जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फोर में से एक चला जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों थ्री ए स्क्वायर का रूट, ये गलती मत करना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस कर देना, ये फोर ए स्क्वायर है और ये वन ए स्क्वायर है, कितना है बच्चों वन ए स्क्वायर, गलती मत करना फिर से बता रहे हैं, ठीक है यहाँ गया थ्री ए स्क्वायर, इसका रूट लिखाना तो रूट थ्री ए, ठीक है बच्चों ए डी क्या आ गया रूट थ्री ए। अब ध्यान दो अगर हम साइन थर्टी का वैल्यू निकालें साइन थर्टी का तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मेहनत करो याद नहीं हो रहा है ठीक है ऐसे काम नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों थर्टी डिग्री के हिसाब से थर्टी डिग्री के सामने वाला ही है परपेंडिकुलर, बी डी क्या है बच्चों बी डी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस क्या है बच्चों ए बी, ठीक है वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा बच्चों साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू बी डी का वैल्यू कितना है ए है और ए डी का ए बी का वैल्यू कितना है टू ए है, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या है बच्चों वन बाई टू, ठीक है तो क्लियर हो गया ए का वैल्यू कुछ भी रहे साइन थर्टी का वैल्यू क्या निकल आएगा वन बाई टू, ठीक है इसके बाद सिमिलर साइन सिक्सटी के लिए भी अप्लाई करके देखो आप लोग का ये होमवर्क रहेगा पिन करना आ रहा है या नहीं आ रहा बनाकर, ठीक है कमेंट में पिन करना कि बनाने आया या नहीं आया, और जो कमेंट करेगा अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेगा, अगर कमेंट नहीं आएगा तो अगले वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये साइन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू कैसे आया, ठीक है ये आप लोग का जिम्मे है, इसे हिंट्स दे रहे हैं साइन सिक्सटी लगाना है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए डी है और हाइपोटेनस क्या है जी ए बी है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देखो, ठीक है ऐसे ही साइन थर्टी का हो गया साइन सिक्सटी का हो गया कॉस थर्टी कॉस सिक्सटी, इसका भी सिमिलर वैल्यू निकाल सकते हो, देखो निकाल के सेम ही आएगा, ठीक है इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो वन बाई रूट टू ही क्यों होता है, ठीक है सिर्फ साइन पे बता रहे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचना ये कॉस के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा टेन के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा बाकी सारे टी रेशियो के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है तो कन्फ्यूज मत होना, एक लेते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप लेते हैं लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेकिन आइसोसेलस रहेगा, कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलस राइट एंगल, ठीक है ए ए बी सी आइसोसेलस में पता है कि दो साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल है तो इस हिसाब से ये एंगल 45 हुआ और ये एंगल कितना हुआ जी 45 क्योंकि इक्वल हो एक तो राइट एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है अब इसमें अगर हम देखें तो इसका जो साइड होगा वही एक साइड होगा, अगर हम एज्यूम करते हैं साइड ए ये भी कितना हुआ बच्चों ए ही लेना पड़ेगा ए और ए लिए तो हाइपोटेनस निकालें तो क्या आएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट जैसे ही निकालेंगे तो यह आएगा रूट टू ए, इसे देख लो एच इक्वल टू जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर जगह रूट टू ए स्क्वायर क्या आएगा बच्चों रूट टू मेरे यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ पे साइन थर्टी का वैल्यू या साइन सिक्सटी का वैल्यू बता दिए अब साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू, साइन फोर्टी फाइव इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों परपेंडिकुलर कोई भी ले लो ये ले लो चाहिए ठीक है परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेनस कितना बच्चों रूट टू ए, ए से ए कैंसिल आउट हो गया क्या बचा वन बाई टू, क्लियर है अब क्लियर हो गया होगा साइन थीटा साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन बाई रूट टू क्या आता है, सिमिलर है ना टेन थीटा का टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू क्या होगा बच्चों बताओ परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर कितना है ए है बेस कितना है ए है कट के क्या आएगा वन, देख लो जो टेबल बता रहे हैं उस टेबल में टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू भी वन है, ठीक है तो फोर्टी फाइव ऑल टी रेशियो का पता चल जाएगा कैसे बन रहा है, ठीक है अब रहा बात जीरो डिग्री का देखना है और किसका नाइन्टी डिग्री का देखना है जीरो और नाइन्टी
ठीक है, उसके बाद कुछ लोग इसको नोट डाउन करो, ज़्यादा बोलते हैं। देखो बच्चों, कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी राइटिंग में ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये है ए बी सी, ये है राइटिंग, ये है ठीक है, ठीक है। बताओ आप लोग से ही पूछ रहे हैं, अगर ये थीटा को ऊपर ले जा रहा है तो एंगल बढ़ते जा रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये नीचे शिफ्ट कर रहे हैं एंगल कमते जा रहा है, अगर ये पूरा शिफ्ट कर दे तो जीरो में आ जाएगा, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है ये शिफ्ट हो जाएगा बेस की तरफ, बीसी की तरफ, और ये परपेंडिकुलर जो था ये कमते हुए जा रहा है, जैसे जैसे एंगल कम कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, जैसे ही इधर लेकर आएंगे तो ये और यहाँ पर लेकर समझो ये कमेगा, ऐसे और कमाएंगे तो ऐसे कमते जाएगा, ठीक है। एक समय आएगा कि जैसे एंगल जीरो हुआ तो ये ए जो है वो बी पे ओवरलैप कर जाएगा, एक इसको ओवरलैप कर देगा बी पे, और ए सी बी सी के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ देखते हैं साइन जीरो के लिए, साइन जीरो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब देखो जीरो डिग्री जैसे ही हुआ तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही जीरो डिग्री हुआ तो क्या हुआ, बी सी इक्वल टू ए सी हो गया क्या बच्चों, और ए बी इक्वल टू जीरो हो गया जीरो डिग्री पे। जैसे ही ए बी जीरो हुआ यानी कि ए बी क्या था जी बच्चों, परपेंडिकुलर था, तो जीरो बाई हाइपोटेनस क्या था ए सी, जीरो बाई ए सी करोगे तो क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा, साइन जीरो का वैल्यू कितना आ जाता है जीरो डिग्री, ठीक है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, क्लियर है बच्चों। इसके बाद 90 डिग्री का बात करते हैं हम, तो ध्यान दो बच्चों, अगर हमको ये वाला एंगल 90 करना है, देखो यहाँ से इसको जैसे जैसे नीचे शिफ्ट करेंगे जस्ट अपोजिट, अगर इसको यहाँ ला रहे हैं तो देखो तो ये वाला एंगल इसके कंपेयर में ज़्यादा है, और पास में लाएंगे तो और ज़्यादा होगा, देख लो एंगल बढ़ते हुए जा रहा, ये एक समय आएगा कि ये शिफ्ट हो जाएगा, सी जो है शिफ्ट हो जाएगा किस पे, बी पे, सी किस पे शिफ्ट हो जाएगा बी पे, यानी कि हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या निकल करेगा, साइन 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सेम, जब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और साथ ही साथ बी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे जीरो होगा तो साइन 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, साइन 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा जी ए सी, और ए सी देखो मेरे को ए बी इक्वल टू क्या है ए सी है, तो हम ए सी की जगह पे ए बी पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए बी बाई ए बी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हुआ, ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है, हो गया यहाँ तक, ये थ्योरम यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। इसके बाद न्यूमेरिकल से देख लेते हैं लोग कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यह है न्यूमेरिकल से एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, यह है साइन 30 डिग्री साइन 60 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, और इसका हो रहा है वैल्यू निकालो, ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों याद है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू टेबल से पुट करो, याद करके भी पुट कर सकते हो, याद कर लेना, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा बच्चों 1/2, कॉस 60 का वैल्यू भी क्या आएगा बच्चों 1/2, देख लिए ऑलरेडी बता दिए हैं, कॉस 30 का वैल्यू बच्चों √3/2, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों ये भी √3/2, ठीक है, ये हो गया हमारा 1/4 प्लस ये √3 √3 √3/4 एलसीएम लोगों बच्चों तो ये आएगा 4 हो जाएगा 1 + 3 ये हो गया 4/4 कैंसिल आउट हो गया क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है, सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर लो, इससे आसान और ट्रिगोनोमेट्री बनने की कोशिश हो सकता है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बोले थे ट्रिगोनोमेट्री सबसे आसान चैप्टर में काम को पाएगा अगर सही से पढ़ोगे तो। देखो यहाँ सिंपल वैल्यू पुट कर देना है, इससे आसान और क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, वैल्यू बेस, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो यहाँ पे ही खत्म करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।